नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। हेलो दोस्तों, हम आज शुरू करने वाले हैं चीन का जो विकास हुआ, जो चीनी अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है और चाइनीज अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ, आज हम इस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि चाइना कैसे कैसे क्या हुआ, विकसित हुआ, चाइना की कमियां क्या हैं, चाइना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपने आप को उभार पा रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पॉइंट को आप या इस टॉपिक को आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ सकते हो, ट्वेल्थ के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। तो आइए शुरू करते हैं चीन की अर्थव्यवस्था का विकास या चाइनीज अर्थव्यवस्था का विकास विस्तार। जब भी हम बात करते हैं चीन जो है वो भारत का पड़ोसी मुल्क है, ये भारत का पड़ोसी मुल्क है और ये मध्य एशिया का देश है। किसका देश है? मध्य एशिया का देश है, मध्य एशिया का देश है। चाइनीज अर्थव्यवस्था अपने आप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये क्या है, मध्य एशिया में पड़ता है और विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से आज एक माना जाता है। चाइना अपने आप को इस तरीके से विकसित कर रहा है, इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है कि विश्व स्तर पर आज इसकी एक अलग ही छाप है और विश्व स्तर पर इसे सब एक अलग ही देश क्या होते हैं, मानते हैं। चाइना यूएनओ के स्थायी सदस्य में से भी है, यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं, उसके स्थायी सदस्य में से एक क्या है, चाइना है। आखिरकार चाइना ने अपना कैसे विकास किया, चाइना किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आज से अगर बात करें तो 50 साल पहले ही चाइना में बहुत ज्यादा गरीबी थी, 90% लोग गरीब थे, लेकिन आज चाइना विश्व की एक तरीके से कह लो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनकर उभर रहा है। हर एक चीज वहां मैन्युफैक्चर होती है, उसका व्यापार, उसकी जो भी टेक्नोलॉजी हो गई, हर एक चीज दुनिया में एक अलग ही क्या कर रही है, छाप छोड़ रही है। तो चाइना ने अपने आप को कैसे इस लेवल पर लेकर आया और चाइना कैसे इस लेवल पर अपने आप को लेकर आ रहा है। चाइना कहता है कि अगर इसी तेजी से विकसित होता रहा तो 2040 तक मैं अमेरिका को भी पीछे छोड़ दूंगा, यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की सैन्य शक्ति, विश्व इसकी बात करें तो व्यापार अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी, सबको अमेरिका को क्या कर देगा, चीन पीछे छोड़ देगा। तो चाइना ऐसा किस तरीके से कर पा रहा है, चाइना आखिरकार अपने आप को किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है, कैसे विकसित कर रहा है, उसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे। तो बात करते हैं जब हम चाइना की यानी चीन की जब हम बात करते हैं, चीन की जो शुरुआत हुई उसकी शुरुआती परिस्थिति भारत से कुछ खास अच्छी नहीं थी, ये कह लो भारत से भी बहुत ज्यादा खराब थी उसकी शुरुआती परिस्थिति चीन की। चीन में 1949 में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। चीन में 1949 में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है 1949 में, यानी भारत में तो 1947 में ही आजादी मिल गई थी और चाइना में ये सब चीजें 1949 में हुई। चाइना ने अपना शुरुआती विकास जो शुरू किया वो सोवियत मॉडल पर किया। किसके आधार पर किया? सोवियत मॉडल यानी यूएसएसआर। आपको पता ही है 1949 शीत युद्ध का टाइम पीरियड है, 1945 से लेकर 1991 तक करीब शीत युद्ध चला। तो 1949 में जब इसके बीच आजाद हुआ तब चाइना के एकदम बगल में ही, चाइना के एकदम कह लो कि ऊपर ही कौन था, यूएसएसआर, अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत तेजी से क्या हो रहा था, विकसित हो रहा था। यानी चाइना का जो शुरुआती विकास हुआ, चाइना जब 1949 में वहां सरकार बनाई माओ ने, तो माओ बहुत ज्यादा साम्यवाद से क्या थे, प्रभावित थे और उनकी पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी किससे प्रभावित थी, अफकोर्स है कि सोवियत संघ से प्रभावित थी। तो उन्होंने ज्यादातर अपना जो शुरुआती विकास किया, यानी चाइना ने जो शुरुआत में अपना आर्थिक विकास शुरू किया वो किसके आधार पर किया, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के मॉडल पर किया। अब साफ सी बात है, अगर आप समाजवाद के तहत अपना विकास करते हो, किसके तहत, अगर आप समाजवाद के तहत अपना विकास करते हो, समाजवाद के कुछ तर्क होते हैं, आपको पता होना चाहिए। समाजवाद निजी संपत्ति को बढ़ावा नहीं देता, ज्यादातर विदेशी व्यापार, खुले अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देता। तो अब चाइना को क्या करना था कि चाइना अगर समाजवाद के तहत विकसित हो रहा है, सोवियत संघ की तरफ से उसे मतलब राय भी मिलती थी और सोवियत संघ की तरफ शुरुआत में हेल्प भी मिली उसे कुछ, तो अगर आपको समाजवाद के तहत विकसित होना है तो चाइना को क्या करना था, चाइना को अपनी खेती, अपने उद्योग और अपने जो देश के संसाधन थे उसको पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना था, यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को क्या करना था, बनाना था। तो चाइना ने किया भी शुरू में इसी तरीके से, सारी अपनी जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, जितना भी अपना आर्थिक विकास था, ठीक है ना, मतलब जो उद्योग वगैरह होता है और जितनी भी खेती वगैरह थी, वो सब किसको दे दिया उसने, वो सारी की सारी उसने चीजों को एक तरीके से कह लो कि गवर्नमेंट के अंडर डाल दिया। और चाइना ने अपने शुरुआती विकास को गवर्नमेंट के अंडर विकसित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चाइनीज अर्थव्यवस्था का एक तरीके से बेस मॉडल तैयार हो रहा था,
मतलब चाइना उस तरीके से स्वरूप में डेवलपमेंट नहीं हुआ समाजवाद के तहत जैसा उसने सोचा था या जैसा वो आज हमें दिखता है। अगर वो समाजवाद बना रहता तो शायद आज का चाइना हमें कभी नजर नहीं आता। तो चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास शुरू किया किसके आधार पर? समाजवादी मॉडल पर। मतलब बाहरी देशों से अपने संपर्क तोड़ लिए। बाहरी देशों से संपर्क तोड़ना बनता भी था क्योंकि आप बाहर से कोई ना तो इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है, ना ही बाहर को जितना अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप अपनी कृषि अपने उद्योग सारी गवर्नमेंट के हाथों में देकर अपना विकास विस्तार कर रहे हो, तो आपके पास विदेशी मुद्रा भी नहीं होगी। विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो आपका ओपन ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से चाइना की अर्थव्यवस्था ज्यादातर अपने आंतरिक मतलब आत्मनिर्भर कह लो या तो मतलब ये कह लो कि अपने ज्यादातर इंटरनल मतलब जो पॉलिसी थी उसके आधार पर क्या हो गया, विकसित होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से चाइना की अर्थव्यवस्था का आंतरिक विकास क्या होता है, शुरू होता है। लेकिन चाइना का अर्थव्यवस्था तो विकसित हो रही थी, चाइना का आर्थिक विकास तो शुरू हो चुका था, लेकिन चाइना उस तरीके से डेवलपमेंट कर नहीं पा रहा था जैसे उसने शुरू में क्या किया था, सोचा था। चाइना की अर्थव्यवस्था हर साल 5-6% बढ़ती थी। चाइना की जब हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था हर साल 5-6% क्या होती थी, ग्रोथ हो जाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ था तो उसका बेसिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, यानी जो कहते हैं उसका जो शुरुआती विकास था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन उसकी हर साल जनसंख्या भी 2-3% बढ़ती रहती थी, यानी अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही थी 5-6%, लेकिन जनसंख्या 2-3% बढ़ रही थी। ये जनसंख्या चाइना की अर्थव्यवस्था को क्या कर रही थी, एक तरीके से उसका मटिया मेट कर रही थी, उसे बहुत ज्यादा खराब कर रही थी, उसकी आर्थिक डेवलपमेंट को उस लेवल पर नहीं जाने दे रही थी जिस लेवल पर चाइना अपने आर्थिक डेवलपमेंट को लेकर जाना चाहता है। यानी चाइनीज चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो उसके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रही थी। इस तरीके से मतलब चाइना को बहुत ज्यादा दिक्कतों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा शुरुआत में। अब जब चाइना में जनसंख्या दिक्कत कर रही थी तो चाइना ने सबसे पहले को तो क्या कर दिया, वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दिया कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी लगाते हैं हम, ठीक है, हम इससे ज्यादा अगर एक बच्चे से ज्यादा किसी के पैदा होते तो उसे मतलब जुर्माना या उसे जेल जाना पड़ सकता है। एक बच्चा हो गया, एक बच्चा होगा तो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, वन चाइल्ड पॉलिसी की तरह उन्होंने लगा दिया, जिससे कि उनकी जनसंख्या की समस्या का कुछ समाधान हुआ। लेकिन जो लोग पैदा हो चुके हैं वो लोग बढ़ रहे हैं, उन लोगों को रोजगार चाहिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं उसकी आय अच्छी होनी चाहिए, लोगों की अपनी जो बेसिक जरूरतें होती हैं, ठीक है, मकान रोजगार वगैरह रोटी कपड़ा वगैरह इन सब चीजों का कैसे चाइना विकास करे। तो चाइना ने 1970 में कुछ फैसले लिए। 1970 के दशक में आते आते आपको पता है माओ की भी मृत्यु हो गई, ठीक है, और उसके बाद 1970 के बाद चाइना ने 1970 के बाद 1972 में आते आते अपना एकांतवाद क्या कर दिया, तोड़ दिया। यानी अपनी जो एक तरीके से जो उसकी डेवलपमेंट पॉलिसी थी, अपने उसका जो एकांतवाद था जो वो सिर्फ और सिर्फ किसके तहत विकसित कर रहा था, समाजवाद, अपने आंतरिक एक तरीके से विकास का मॉडल क्या कर रहा था, अपना रहा था, वो चीजें 1972 में आते आते उसने क्या कर दिया, तोड़ दी। उन चीजों को उसने उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जिस तरीके से कि पहले वो शुरू में लेकर क्या हो रहा था, चल रहा था। सबसे पहले 1972 में उसने जो एकांतवाद अपना तोड़ा वो यूएसए के साथ मिलकर तोड़ा, यानी अमेरिका के साथ मिलकर क्या कर दिया, तोड़ दिया। अपनी अर्थव्यवस्था को बाजार मूलक अर्थव्यवस्था बनाया, यानी अपने डेवलपमेंट को अपने विकास के मॉडल को उस लेवल पर लेकर गया जो कि पूंजीवादी व्यवस्था से काफी कुछ क्या करती थी, मिलते जुलते थे। फिर चाइना ने कदम गर कदम कहते हैं कि एक के बाद एक उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से चाइनीज अर्थव्यवस्था आज हमें इस लेवल पर क्या होती है, नजर आती है। जैसे 1973 में चाइना में जो तत्कालीन इनके नेता थे चाउ एन लाई, उन्होंने कृषि में, सेना में, विज्ञान में और उद्योग में चार क्षेत्रों में क्या कर दिया, आधुनिकरण किया। कृषि, सेना, विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग, इन चार क्षेत्रों में उन्होंने आधुनिकरण किया और आधुनिकरण के रास्ते पर क्या हो गए, चलने लगे। उसके बाद 1978 के तत्कालीन नेता डेंग शाओपिंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी ओपन डोर पॉलिसी क्या कर ली, इन्होंने अपना ली। तो ये क्या था, चाइना का एक तरीके से जो विकास हो रहा था, जो आर्थिक विकास हो रहा था, उसने अपने मॉडल को एक इस लेवल पर लेकर गया जिससे कि उसका आर्थिक मॉडल एक तरीके से बहुत तेजी से क्या हो सके, डेवलपमेंट कर सके। एक बात और याद रखना, चाइना जब ये कर रहा था 1978 में इसने खुले द्वार की नीति अपनाई, 1982 में चाइना ने खेती का भी क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। 1982 में क्या किया, खेती को उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया, ठीक है, यानी खेती का क्या कर दिया, निजीकरण करना शुरू कर दिया। चाइना में जो ये बदलाव हो रहे थे, आपने देखा कि 72-73 फिर 78 फिर 82, ये जो बदलाव हो रहे थे ये उसने, याद रखना, एक शॉक थेरेपी हम पढ़ते हैं, शॉक थेरेपी की तरह उसने अपने बदलाव को अचानक नहीं करना शुरू किया। शॉक थेरेपी में क्या था, जो सोवियत संघ में अपनाई गई थी
कि उसने अपनी आर्थिक विकास को अचानक ही चेंज कर दिया था, यानी सोवियत संघ अचानक समाजवाद से पूंजीवाद में बदल रहा था खुद को। तो चाइना ने वो गलती नहीं की, चाइना ने अपने आप को क्या कर दिया, अचानक चेंज नहीं किया, अचानक नहीं बदला, चाइना ने अपने आप को चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके का मतलब एक तरीके से कि एक जो भी नीति बनाता था उसके पीछे वो काफी ज्यादा रिसर्च प्लानिंग करके रखता था कि भाई अगर हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक में चेंजेस कर रहे हैं या पॉलिटिकल चेंजेस कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर रहे हैं, तो वो चेंजेस के हमारे देश पर इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। तो उस तरीके से अपना क्या कर रहा था, बदलाव कर रहा था, उस तरीके से अपने आप को एक तरीके से चेंज करता हुआ क्या कर रहा था, जा रहा था। चाइना ने धीरे धीरे करके अपने आप को एक नए लेवल की, एक तरीके से कह लो कि इकोनॉमी बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चाइना की शुरू से इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी जैसी हम आज पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि 82 तक उसने खेती का निजीकरण कर दिया, लेकिन इससे पहले चाइना की बहुत बुरी कंडीशन थी। चाइना की कंडीशन इतनी बुरी थी कि 1978 से पहले चाइना में 20% लोग ही शहरों में रहते थे और 90% जनसंख्या उसकी गरीबी के चपेट में थी। सोचने वाली बात है कि आज से कुछ ही साल पहले, ये कह लो कि 50 से 55 साल पहले ही चाइना की में 90% गरीबी थी और आज वो विश्व के सबसे अच्छे देशों में क्या होता है, गिना जाता है, यहाँ तक कि यूएनओ का स्थायी सदस्य है। तो आप उसकी सैन्य पावर, उसकी डेवलपमेंट पावर समझ सकते हो कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग पावर उसकी कितनी है। इस तरीके से चाइना ने अपने आप को बहुत तेजी से अपने आप को क्या किया, डेवलपमेंट किया है। 78 से पहले चाइना में लोग साइकिल से ही जाते थे, कंपनी का मालिक हो चाहे मैनेजर हो, सब साइकिल से जाते थे। लेकिन आज चाइना के अंदर अगर हम बात करें तो 3000 लाख ज्यादा जो कारें हैं वो रजिस्टर्ड हैं वहां पर, यानी चाइना में अब कार ही कार दिखती है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। तो ये सब चाइना का क्या है, डेवलपमेंट है, विकास है, जिसकी वजह से चाइना ने अपने आप को एक नए लेवल की इकोनॉमी क्या कर दिया है, बनाकर रख दिया है। अगर हम बात करें तो 1991 के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी वो 5 गुना बढ़ी, लेकिन चाइना की प्रति व्यक्ति आय 24 गुना बढ़ गई। जो कॉमन एक तरीके से आय होती है एक व्यक्ति की, तो प्रति व्यक्ति आय अगर बात करें तो भारत में 5 गुना बढ़ी लेकिन उसकी 24 गुना बढ़ी, सोचने वाली बात है। शुरू में चाइना की अर्थव्यवस्था जीडीपी जो विश्व जीडीपी का था 1.8 था, अब 2017 में 18.2% चाइना की जीडीपी विश्व स्तर पर क्या कर रही है, काम कर रही है। चाइना की अगर बात करें तो उसकी जो जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था है उसकी, अगर हम बात करें तो 1.5 ट्रिलियन टन से 7 ट्रिलियन टन, ठीक है ना, भारत की बात करें तो 1.5 ट्रिलियन टन और उसकी 7 ट्रिलियन उसकी अर्थव्यवस्था है। इस तरीके से उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उसका क्या था, बहुत अच्छा रहा। मतलब चाइना अपने आप को, मतलब उसने इस लेवल पर विकसित किया है, इस तरीके से सुधार किए हैं अपने अंदर, जो एक तरीके से विश्व में सभी के सामने एक रोल मॉडल पेश करता है। रोल मॉडल का मतलब है कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी में चेंजेस करने हैं, अपने देश की अगर आधुनिकीकरण की चीजों में चेंजेस करना है, तो आप चाइना से सीख सकते हो काफी कुछ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपने आप को एक तरीके से, और उसकी जो उसकी पॉपुलेशन, उसकी जनता जो है वो भी उसका बहुत अच्छे से साथ देती है। चाइना ने इस तरीके से अपना आगे विकास भी शुरू किया, जैसे 1998 उसने उद्योगों का निजीकरण कर दिया। और जब उसने इतनी तेजी से बदलाव किए, जब उसने खुले द्वार की नीति अपनाई 1978 में, और उसके बाद जब निजीकरण वगैरह करना शुरू कर दिया, तब चाइना के पास विदेशी मुद्रा का भरमार हो गया। यानी उसके पास विदेशी मुद्रा जो एक तरीके से फॉरेन करेंसी थी, उसके पास बहुत सारी आने लग गई। जब चाइना के पास बहुत सारी विदेशी मुद्रा आई, जब चाइना ने सेज का निर्माण किया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक क्या बनवाए, जोन बनवाए, और 2001 में चाइना WTO में भी क्या हो गया, शामिल हो गया। देखिए चाइना ने अपने आप को, पहले क्या था उसके पास, जब उसका आर्थिक विकास समाजवाद के मॉडल पर आधारित था, तो उसके पास ज्यादा कम से कम फॉरेन पॉलिसी थी। लेकिन जब उसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास विस्तार शुरू किया, तो चाइना के पास फॉरेन पॉलिसी भी बहुत बड़े लेवल पर आई, फॉरेन जो करेंसी होती है वो बहुत बड़े लेवल पर आई। तो इस तरीके से चाइना ने अपने देश में बाहरी कंपनियों को आने का मौका दिया, आओ हमारे देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने उद्योग लगाओ, अपनी चीजें लगाओ। लेकिन चाइना, याद रखना, चाइना अपनी एक तरीके से जो वस्तु उत्पादन का जो एक तरीके से जो मोटा वो अपने आधार पर ही रखता है। और चाइना विश्व में एक तरीके से अपनी वस्तुओं को एक तरीके से विश्व के कोने कोने में, विश्व की बाजार पे एक तरीके से कह रहे हो कि कब्जा कर रहा है, एकाधिकार जैसा बना रहा है वो। आज हम खुद देख सकते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट हर घर में, आपको चाइनीज प्रोडक्ट दिखेंगे। और एक नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल दिखता है, आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी उस लेवल पर नजर आएंगी। लेकिन चाइना विश्व स्तर पर जिस तरीके से आज उभर रहा है, जो भी तरीका है चाइना का आर्थिक मॉडल का विकसित करने का या आर्थिक विकास करने का तरीका है, वो अच्छा है, काफी अच्छा है। लेकिन चाइना विश्व स्तर पर जिस तरीके की सुपर पावर बन रहा है,
वो कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं विश्व स्तर पर एक तरीके से नेतृत्व करूंगा, मैं मतलब एक तरीके की सुपर पावर बनूंगा, लेकिन उस तरीके से वो क्या उभर पा रहा है? उसके विवाद भी इतने ही ज्यादा है जितना उसका विकास है। अक्सर वो क्या करता है, अपने पड़ोसी देशों पर क्या करता है, दो क्षेत्रों पर उनके कब्जा कर लेता है और फिर बोलता है कि एक ले लो और एक दे दो मुझे। जैसे भारत में ही आप देख लो, लद्दाख का विवाद है और अरुणाचल प्रदेश का है, तो वो एक क्षेत्र को मांगता है और एक क्षेत्र को वापस कर देगा। तो इस तरीके से जो आपका चाइना महासागर है, जो इंडो चाइनीज सी जो है, वहां पर भी उस तरीके को क्या करता है, कब्जा करता है। ताइवान पे हो गया, तिब्बत पे हो गया, कोरियन कंट्रीज पे हो गया, बहुत सारी चीजें चाइना अपने आप को मतलब विकसित तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को पॉलिटिकल स्तर पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसे कहते हैं, उस तरीके से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। भारत के साथ उसके विवाद रहते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी बात करें तो चाइना की अर्थव्यवस्था, उसने अपनी अर्थव्यवस्था का लोहा सबको मनवाया है। उसने अपने आप को विकसित करने को सबसे ज्यादा तेजी से क्या किया है, विकसित किया है। चाहे दूसरों से बेशक से खराब संबंध हो तो क्या हुआ, उसने अपने नागरिक, अपने देश के लिए काफी अच्छे से क्या किया है, काम किया है। तो ये चाइनीज अर्थव्यवस्था का हम क्या देखते हैं, विकास देखते हैं। लेकिन ये नहीं है कि चाइना की अर्थव्यवस्था सिर्फ आगे ही बढ़ती रही, सिर्फ विकसित ही होती रही और उसके अंदर कुछ कमियां नहीं है। नहीं, चाइना में कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। यानी चाइनीज अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ हम बहुत सारी उसकी कमियां भी देख सकते हैं। जैसे चाइना में सबसे पहली कमी है महिलाओं की स्थिति। वहां महिलाओं और पुरुषों की स्थिति आज भी खराब है। आज भी वहां महिलाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। वहां भी पैट्रियार्क समाज और बहुत सारी चीजों को आज भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर व्यक्त किया जाता है। महिलाओं की स्थिति मतलब वहां पर इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पुरुषों की स्थिति बनी रहती है वहां पर। साथ ही साथ भ्रष्टाचार, चाइना की जो सरकार है उसके अंदर भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है हमें। भ्रष्टाचार कहने का मतलब है गवर्नमेंट में आज भी अमीर गरीब और साथ ही साथ जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहां पर, वहां भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलता है। बेरोजगारी, चाइना में बेरोजगारी है, आज भी 10 करोड़ से ज्यादा लोग वहां बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है चाइना की। प्रदूषण, आपको पता है जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जितनी तेजी से उसने किया है उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है वहां पर, प्रदूषण भी क्या हो रहा है, हो रहा है। अमीर गरीब के बीच की खाई, वहां पर अमीर और गरीब के बीच की क्या है, खाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये चाइना की अर्थव्यवस्था की क्या है, कुछ कमियां हैं। फिर भी अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर चाइना ने अपना आर्थिक विकास और अपना इकोनॉमिकल जो हम बोलते हैं डेवलपमेंट जो है, वो अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर गया है। जिस लेवल पर उसे मतलब एक तरीके से विकसित करना चाहिए उस लेवल पर वो लेकर गया है। तो आज हमने चाइना की अर्थव्यवस्था का विकास देखा कि चाइना ने अपने आर्थिक विकास कैसे कैसे शुरू किया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।